नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, दो अबोध बच्चियों के साथ चाचा ने की दरिंदगी। 15 माह व 7 साल की बच्चियां हुई शिकार। लौर पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस कर रही है पूछताछ। खबर रीवा से है, जहां दो अबोध बच्चियों के साथ सगे चाचा ने दरिंदगी की है। हैवानियत की शिकार अबोध बच्ची को चोटें आई हैं। मां दोनों बच्चियों को लेकर थाने पहुंची, जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को अभी रक्षा में ले लिया है। वहीं पीड़ित बच्चियों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। लौर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला 1 दिसंबर को अपने दो बेटों और एक बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल गई थी। घर में 15 माह की बच्ची अकेले थी। उसी दौरान बच्ची के चाचा ने उसके दरिंदगी की। वह उसे ओसारी में ले जाकर दरिंदगी कर रहा था। जब महिला घर पहुंची तो ओसारी में चाचा की हरकत देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बच्ची जोर जोर से रो रही थी और उसके गुप्तंग से खून निकल रहा था। किसी तरह महिला ने बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ाया और उसे लेकर कमरे में चली गई। महिला के पति बाहर काम करते हैं, जिनको फोन करके महिला ने पूरी घटना की जानकारी दी और रिपोर्ट लिखाने की बात कही, जिसे देवर ने सुन लिया और कमरे में आकर महिला के साथ जमकर मारपीट की। रिपोर्ट लिखाने पर उनको जान से मारने की दी धमकी। उक्त आरोपी ने 7 साल की बड़ी भतीजी को भी हवस का शिकार बनाया था। 16 अक्टूबर को उसने 7 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया था, लेकिन चाचा के डर से उसने माँ को इस घटना की जानकारी नहीं दी थी। जब उसकी तकलीफ शुरू हुई तो उसने माँ को चाचा की हरकतें बताई थी। उस समय लोक लाज के डर से परिजनों ने थाने में घटना की शिकायत दर्ज नहीं करवाई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और उसने एक 15 साल की बच्ची के साथ इस खौफनाक घटना को अंजाम दे डाला। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज के साथ, आपकी खबर हमारी नजर। सर, एक लौर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ, क्या है सर पूरा मामला? लौर में एक रिपोर्ट हुई है, एक बच्ची 1.5 साल की है, एक बच्ची 7 साल की है। उसकी माँ ने रिपोर्ट किया कि उसके सगे चाचा ने दुष्कर्म उनके साथ किया है। इस सूचना पर तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को अभिरक्षा में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अपराध का पंजीयन हो गया है, साक्ष्य संकलन इसकी जारी है।